श्रोता बैठे हैं, क्योंकि कुछों का ध्यान तो खाने में है और कुछों का ध्यान है जो रागनी में है। एक बार वो हाथ उठाओ जिनको मेरी रागनी समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे ऐसा लग रहा कि आपको मेरी रागनी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि देखो कलाकार का जब आनंद आया करे या तो ताली बजती रहे या फिर कुछ आता जाता रहे, समझ रहे हो? और वो तुम कर नहीं रहे। हाँ, वो ये कर नहीं रहे हैं। ताली भी नहीं बजा रहे। हाँ, ना ताली बजा रहे हैं, लेते देते रहो, और ना ही लक्ष्मी भी नहीं आ रही है। ये तो एक काम कर रहे हैं, डायरी में ले जा, मैं मंच पे दिखाएंगे। ये तुम्हें ही ना ले जाऊं थोड़ी देर। हाँ, कोई बात नहीं है निशा जी, खर्चा पानी भी आता रहेगा, पर चिंता ना मानो, समय के अनुसार सब चीज हो जाएगी। भाटी जी, मुझे तो ना फिर अपना डर हो जावे, क्योंकि तुम कटौती बहुत ज्यादा करो। अच्छा, कोई बात नहीं, बढ़त में रखेंगे तुझे, चिंता मत मानो। क्या बता जा रहे है, उसका यकीन है, लेकिन जो मां का जाया है उसका यकीन नहीं। नू के आग्रह है कि घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे। हाँ, के घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, और रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे, के उजड़े हुए घर ने बसा लुगाई दे, और सात जन्म भी छूटे ना ऐसा फंसा लुगाई दे। और क्या क्या कर दे है यार, त्रिकट तेज तमंचा, त्रिया त्रिकट तेज तमंचा, तात ततैया जहरी तुला तराजू तोब तमरिया, हो मानस के गहरी, जिसने अमृत समझे थवा नदी खून की बहरी, चले परम गति की रेख से
महारानी कुंती ने बता दिया कि एक रोज का जिक्र महल में, एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पर विश्वास होया ना वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण, मैंने न्यू क्वारी ने जाया था। और ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कहते। मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना कह मां कह दे। साथियों बता दिया कि जब मेरी कुंवारी अवस्था थी, एक दिन हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने मेरी हस्त रेखाओं को देख करके मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया और कहा कि यह मंत्र तुम्हारे जीवन में बहुत काम आने वाला है। जब भी तुम्हें पुत्र की चाहना हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, जब इस मंत्र का आप जाप जिस देवता पर भी करोगी, उसी देवता से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हे कर्ण बेटे, मेरी अवस्था कुआरी थी, सूर्य को एक दिन जल देते समय मैंने उस मंत्र का जाप सूर्य देव पर कर दिया। उस मंत्र पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सूर्य देव आकर के मुझे पुत्र का वरदान देकर के गए। मेरी अवस्था उस समय कुआरी थी, मैंने तुझे इसलिए गंगा जी की गोदी में सौंप दिया और तेरे मस्तक पर सूर्य का यह निशान इस बात का सबूत है कि तू सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र है। बेटे तू सूर्य के वरदान से मेरी कुआरी अवस्था में मुझे मिला था। तीसरे नंबर पर साथियों क्या बताया, क्या कहा बताया? महारानी, मैं जानती हूँ कि मैंने तेरा पालन पोषण नहीं किया, लेकिन बेटा जन्म तो मैंने ही तुझे दिया है। हे महारानी, अगर जब तुम्हारे मन के अंदर और भी कोई राज हो, और भी कोई सच्चाई हो, तो उस सारी सच्चाई से मुझे अवगत करा दीजिए। अपने मन के अंदर कोई भी ऐसी बात छिपा करके मत रखिए जो मेरे लिए है, जो सच्चाई से मुझे अवगत करा सकती है। और भी कोई तेरे मन में बात हो तो उसको बता दे। मेरे पास जो भी बातें थी सब मैंने तेरे सामने रख दी हैं। अगर अब भी तूने मुझे माता नहीं कहा, माँ नहीं कहा, तो तेरी कटारी निकाल करके यहीं अपनी गर्दन काट दूंगी बेटा, यहीं मर जाऊंगी। हे महारानी, आप एक बार कहिए या लाख बार कहिए, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और फिर भी कह रहा हूं, तेरे से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में असनाई। दुर्योधन है कुटुंब कर्ण का तू बाप समझ चाहे भाई। आप जो भी समझना चाहे समझ सकती है महारानी। इस दुनिया के अंदर मेरे लिए जो कुछ भी है वो मेरा मित्र कर्ण है। कहिए क्या कहना चाहते। सुनिए मेरी बात बेटा,
निभाया छाती से लिया बेटे को तनरी कितना दूध पिलाया रे हो कितना दूध पिलाया ओ मुझुम्या ना प्यार करया बस एक यो लाड लड़ाया मुझे दे के जन्म मारने खातर तने गंगा बीच बहाया रे हो गंगा बीच बहाया लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे हर की नरम निंगा बन की मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बन गई हो आज करण की मां बन गई बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे और आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया हे महारानी अगर जो तू मेरी मां थी तो उस दिन मुझे बेटा स्वीकार कर लेती मैं तुझे खुशी से मां कह देता लेकिन आज तू अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए मुझे बेटा बता रही है और उन पांच पांडवों को मेरे भाई बता रही है मेरी बात सुनिए महारानी कहिए बेटा मना अपने से ज्यादा जग में अपने से ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा मैं किस तरिया मां कहूं तुझे मनरी मां का प्यार नहीं देखा मां का प्यार नहीं देखा जहां गया अपमान हुआ आदर सत्कार नहीं देखा मेरी नीचे को रही नजर निहा था क्या संसार नहीं देखा था मैं संसार नहीं देखा जिस इज्जत का मोल तोलना जिस इज्जत का मोल तोलना मेरी वहां इज्जत पे भावन की मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बन गई हो आज करण की मां बन गई लेकर के मेरे पास में आई है महारानी कि मैं तेरी मां लगती हूं हाँ बेटा उस दुर्योधन का अगर जो मैं अपने शरीर की जूती बना करके भी उसे पहना दूं तो मैं उसका ऋण उतार नहीं सकता जिस टाइम इस दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था उस समय आगे बढ़कर के दुर्योधन ने मुझे अपनी छाती से लगा करके मुझे अंग देश दिया था हे आचार्य गुरुद्रोण ये आज से शूद्र नहीं ये मेरे बराबर का भाई है मैं आज इस कर्ण बलि को अंग देश देता हूं उस दिन उस दुर्योधन ने मुझे छाती से लगा करके ये कहा था कि तू मेरी बाई भुजा है तू मेरा भाई है जब संसार ठुकरा रहा था तो केवल दुर्योधन ने आगे बढ़कर के मुझे छाती से लगाया था महारानी और आज जब मेरी उसको सबसे ज्यादा जरूरत है जब उसके कर्ज को उसके ऋण को उतारने का वक्त आया है तो तू हवाला लेकर के मेरे सामने आ गई कि मैं तेरी मां लगती हूं ऐसा हो नहीं सकता महारानी मेरी बात को गौर से सुन ले कहिए बेटा अरे मां बनके बचपन का झूठे आंसू काठ बना रही तू पागल आज करने कारी हो पागल आज करने का तना यो जीवन अंधकार करया उन चंदा करया गगन का
मर के भी, अरे मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन कारी हो, उतरे दुर्योधन का ओ मिलके दगा करण वालों की, मिलके दगा करण वालों की करगा मैं रूह शाह बन की, मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बन गई हो, आज करण की माँ बन गई। सूत्र मेरे पिता हैं और राधे नाम की सूत्र जाति की औरत मेरी मां है, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं महारानी। और इतने दिन के बाद मैं दान मांगने के लिए आई है, इसका भी कोई कारण है, कोई वजह है। और तू ये चाहती है हाँ। कि पांच पांडव मेरे भाई हैं हाँ। और मुझे ज्येष्ठ भ्राता समझ करके मेरे सर के ऊपर ताज रख देंगे और मैं राजा बन जाऊंगा, तो मेरी बात को सुन ले। राज के लालच में फंस के धोखा करे आज करण, अच्छी तरिया जानता है जाज और नाजाज करण, आने वाली पीढ़ी कहेंगी के दुष्ट धोखेबाज करण। हे महारानी मुझ पर एहसान है, मुझ पर कोई ऋण है तो वो केवल और केवल दुर्योधन का है, तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है। आदरणीय कैलाश चंद जांगिड़ जी, हमारे परम आदरणीय कैलाश चंद जांगड़ी जी छाबड़ी वास से 100 रुपए देकर के कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और वह रागनी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए आपके द्वारा हो जाए। अंतिम कली के द्वारा साथियों करण बली क्या कहता है, क्या बताया भला। अरे कितने दिन के बाद मेरे पे हा? इतने दिन के बाद मेरे क्यों दान मांगने आई है, जिन बाणों का गर्भ मुझे वो बाण मांगने आई है, बाण मांगने आई है। जब छह बेटे हैं तेरे पांच के क्यों प्राण मांगने आई है, बाणों का अरे बाणों का दिखे बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है, हो जान मांगने आई है। लटन सिंह राजबल मेरी लटन सिंह राजबल मेरी छटके फिर कजा बन की, मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बन गई है, आज करण की माँ बन गई। सुन के भारी चोट लगी हो, फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी सी बात दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जाएगा दिन की बदलेगी रात दिखे, राजपाट और बहु बेटों से तो बैठेगी हाथ दिखे, अपने आगे अपने हाथों तू कर लेगी खड़ी तवाई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई। दूसरी कली साथियों इसी सुर से, इसी रागनी की अगली कली आपके बीच में भाई बॉबी बघेल जी सुनाएंगे किस तरह से। जो पहले खुल जा भेद अगर तो हो, पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचान ना देता, तेरे साले
वनों में काटे कष्ट उठाने दादे का अपने बहू भाई अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने दादे का चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने दादे का हाथ लगाने दादे का मेरे इतनी कह के जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता मैं अपने घर की राज बहु दरबार में जाने ना देता चाहे इंदर करता जोर चीर के हाथ लगाने ना देता और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई धर्म युद्ध डर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई सजना ये कहता है कर्ण बलि के महारानी अगर जब मुझे पहले पता होता कि ये मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है अगर जब मुझे पहले पता होता कि हमारी लाज बहू है तो दुर्योधन और दुशासन की तो ताकत क्या थी अगर जब वो देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता तो मेरे होते हुए संभव नहीं था महारानी लेकिन अब तूने बहुत देर कर दी अब मेरे भाई दर दर की ठोकरें खा करके 13-14 साल बनों में बिता करके अपनी मंजिल की नजदीक आए हैं अगर जो तूने उन्हें बता दिया तो उनके सारे प्रण अधूरे के अधूरे रह जाएंगे तीसरे नंबर पर साथियों क्या कहता है कर्ण क्या बता रहा हूं वो डोल के मंजिल तट आए हाँ डोल के मंजिल तट आए सब डुले डुलाए रह जाएंगे जो हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे बलवानों के बाण जोर पे पूरा प्रण कर्ण की खातर पूरा प्रण कर्ण की खातर बैठे आस लगाई धर्म युद्ध सर से मत कहिए खुल जा गाते हैं भेद बात का खुल जा गाते हैं मैं मोर धर्म उठ जाके मारे और कुछ विस्के घूटे घूट जाके विस्के घूट घूट जाके No!
कली आपने भाई बॉबी बघेल के द्वारा सुनी है, दो कली नीरज भाटी के द्वारा सुनी है। अच्छी लग रही हो तो ताली बजा दो एक बार जोरदार। और कवि ने इस रागनी में डूब करके, वैसे रागनी में कली चार होती है लेकिन इस रागनी में पांच कली है, आपकी इजाजत हो तो पांचवी कली को दोनों एक साथ मिलकर के सुना दे। ताली बजा दो एक बार जोरदार। चलिए जब करण बचा कट जाने से, करण को शाबाशी क्यों रथ तीन कदम हट जाने से, ओ करण को शाबाशी क्यों रथ तेरा तीन कदम हट जाने से। अरे मैं तो गया शरण में, जब यो ढंग है तो आगे क्या हालात, अरे जने बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात, अरे जने बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात, अरे जने हो कदे मुख से दू मैं काट हाल फेल हो तेरा जान धार और भाई इसी कारण अर्जुन युद्ध की श्रागणी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय पूरण सिंह भाटी जी, आदरणीय पूरण सिंह भाटी जी छावड़ी वास से, जिन्होंने आज आपके दर्शन करने का भी सौभाग्य हमें यहाँ पर दिलाया है, दोनों कलाकारों को 100-100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैं पूरण भाटी जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ। और आने वाली 3 तारीख में उनके वहां पर भी मेल का कार्यक्रम है, उसमें भी आपके बीच में हमें आने का और गाने का मौका उन्होंने दिया है। एक बार जोरदार ताली पूरन भाटी जी के लिए हो जाए, जोरदार ताली। दूसरे नंबर पे किस तरह से साथियों क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, क्या बताया ला? जबर नहीं शाबाशी की दबनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, अरे सुनूंगा जरूर आवे वो बिना सुने खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे
तीन कदम हाँ। तीन लोग हम पाछे ने हटा गया करने पता नहीं खून रण में बाण तो चटा गया करने पता नहीं खून रण में बाण तो चटा गया करने हो बाण मारे भरे कह जो सुरे अरे हो जो सुरे बाण जब मारे बहरे के जो होश नहीं दरन तलक के दस खारी मरूंगा पकड़ा दे ये भे कहिए आप एक करण की बात कर रहे हो अगर इस क्षेत्र में 100 करण हो तो ये अर्जुन डटकर मुकाबला कर सकता है महाराज ये कह रहा है दादाजी अर्जुन कि ये तो एक करण है ऐसे अगर जिस 100 करण भी होते हाँ तो उनका भी डटकर मुकाबला करना जानता है अर्जुन जी महाराज लेकिन अर्जुन कहिए तुझसे इस करण के एक बाण का मुकाबला नहीं ठीक तरह से किया जा रहा और आप ये कह रहे हैं कि ऐसे अनेकों कर्णों से लड़ने की बात कर रहे हो हाँ लेकिन मैं बता रहा हूं आपको क्या ये जो तीसरी कली आ रही है इस तीसरी कली में तेरे सारे जंजाल को दूर कर दूंगा तो कह दे एक बार अच्छा हाँ। सुनिए महाराज कहीं पाछे हट जा बात कहा हृदय में धरो दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करो दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करो हनुमान रथ की बुर्जी पे तू तो दहाड़ के बता रहा है हाँ जोश में आ रहा है अर्जुन जी लेकिन आगे आ जा इधर ये आ गया हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया तीन लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया हो बाण जब मारे भरे कह जो जोश रे अरे हो जोश रे बाण जब मारे भरे कह जो होश नहीं धरण हो तलक गस खारी मरूंगा बतला दे मैं 100 करणों से लड़ सकता हूं तो देख हनुमान जो सबसे बलशाली देवता है वो तेरे रथ की बुर्जी पर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं जी महाराज शेषनाग पाताल का राजा जिसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं हाँ और मुख खोल करके देखा दिया कि देख तीनों लोगों का नाथ ये श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है जी महाराज फिर भी इस कर्ण के बाणों में इतनी ताकत है हनुमान जी शेषनाग और स्वयं
त्रिलोकीनाथ कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। फिर भी अगर जो इस रण क्षेत्र के अंदर तेरे रथ को तीन कदम पीछे हटा दिया है इस कारण बलि ने, तो तीनों लोकों में तेरे लिए और हमारे लिए कहां जगह छोड़ दी मुझे वो बता दे। हे महाराज, जो अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी वो मेरे आगे से खुल गई है। अरे करण योद्धा नहीं मा योद्धा है महाराज, इससे मेरी जान बचाइए। तू तो 100 करोड़ों से लड़ने की बात कर रहा था। वो तो मैं आपके पीछे बात कर रहा था महाराज। मेरे पीछे? जब आपको ही उसने पीछे फेंक दिया, मेरी क्या औकात है महाराज। बात तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए मैंने कर्ण बलि की प्रशंसा की थी अर्जुन। तो महाराज मुझे रास्ता बताइए। अब मान गया कि कर्ण योद्धा है? मान गया। आप भी मान गए महाराज? मैं तो पहले से ही माना हुआ था, मैं तो तुझे मना रहा था लेकिन तू ही नहीं मान रहा था अर्जुन। मैं तो मान गया महाराज, मेरी जान बचाइए इसे। मान गया तो अब चाहता क्या है ये बता। यही चाहता हूँ जो अहंकार की पट्टी थी वो खुल गई है और इस युद्ध में जीत चाहिए महाराज, इसका उपाय बताइए। और करण बलि से प्राणों की रक्षा भी तो मांग। वो तो मैंने आपसे पहले कह दिया, इससे मेरी जान बचाइए महाराज। हाँ। तो ये कहता है अर्जुन कि हे त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान, वाकई कर्ण बहादुर है और दूर दूर तक नामी, मच्छर के सामान जचाइए पांडव इसके सामने। मैं जान गया हूं इस बात को, अब मेरी इससे जान बचाइए और इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे जीत का मार्ग दिखाइए महाराज। तो अंतिम कली के द्वारा श्री कृष्ण जी द्वापर युग के अंदर उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताया, लेकिन आज भी वो बात लागू है आपके लिए और हमारे लिए भी। किस तरह बताया कि जीत किसकी होनी है, किसकी होगी, और जब तक ये सूरज चांद धरती चांद सितारे रहेंगे किसकी जीत होती रहेगी। साथियों श्री कृष्ण जी ने क्या बताया अंतिम कली में सुनेंगे, क्या बताया मेरा। जाल माया का रचा तेरे प्रभु, भूलू ना एहसान जान मेरी कारण से बचा दे प्रभु, भूलू ना एहसान जान मेरी कारण से बचा दे प्रभु। वो जीत यार हार रण मारा, जीत यार हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ हो बाण, बात क्या शर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े चाहरण में, जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े चाहरण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता में मेरे, अरे हो दे चिंता ने में तुभेद करे, खड़े श्री कैसर मुरारी करुणा पतला।